पिले पिले ओ मोर राजा, पिले पिले ओ मोर जानी। इधर 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 जी, कैसे आऊं मैं? तो इधर जा रहा हूं। मैंने कहा ना इधर आ, तो इधर आ। आना पड़ेगा जी, जरूर आना पड़ेगा। आप कहते तो आ जाता हूँ, पर आपने थोड़ा सा मिठास बोलिएगा ना। चलो आ जाता हूँ इधर। तो मिठास की छोड़, ये बता शराबी बेवड़े कहीं के सुबह सुबह शराब पी रखी है तूने, तुझे शर्म नहीं आती? क्या करूँ जी, दूध तो पिए नहीं जाता। दूध तो जब मैं पीता था, छोटा बच्चा होता था ना, जब गाय बेच दी, भैंस बेच दी, तो कोई दूध काटने वाला नहीं है। मैंने सोचा शराब भी पी लेते हैं। चुप। हवलदार, वो देख, वो सामने से ना एक बुढ़ी आ रही है, उसे रोक। आरती उतारेंगे आपकी आरती, समझे? नहीं, पुलिस है पुलिस, चलान काटेंगे चलान, समझी बुढ़िया? कुत्ते कमीने, बुढ़िया किसको बोला? अभी मेरी उम्र ही क्या है? ए, चुपचाप खड़ी रह, पुलिस वालों के सामने तू दूसरे व्यक्ति पे हाथ उठा रही है, तुझे शर्म नहीं आती? चुप बहू, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी सास हूँ? अरे सास होगी अपने घर, यहाँ पे मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और वो भी ऑन ड्यूटी। आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, समझ गए? अच्छा, ऑन ड्यूटी, अब ये भी भूल गई पुलिस इंस्पेक्टर बनके कि सास से कैसे बात करते हैं? देखिए मैं आपसे ना बड़ी तमीज और प्यार से बात कर रही हूँ। हवलदार, इसकी गाड़ी के सारे कागज चेक करो। ए बुढ़िया, चल मोटरसाइकिल के कागज दिखा। अच्छा, बुढ़िया किसको बोला? इस बनड़ी के सामने हवा ले रहा है क्या? बुढ़े, तुझे पता नहीं मैं ऑन ड्यूटी हूँ, ऑन ड्यूटी। अच्छा घर चल, फिर बताती हूँ तुझे ऑन ड्यूटी। अब यहाँ बिल्ली भी शेर बन गई, घर पे तो ऐसे भीगी बिल्ली। अरे मैं यहाँ हवलदार हूँ, तेरा पति नहीं, तेरा पति हूँ घर पे, समझे क्या बुढ़िया? चुप बेवड़े, एक शब्द और बोला ना तेरा टेटवा दबा दूंगी। अपने घर वाले पे तो जोर चलता नहीं, मुझे ही मारी जा रही है। खींच के एक और दूं क्या? ए, पुलिस वालों के सामने तो इसमें हाथ उठा रही है और हम चुपचाप खड़े होकर देखते रहेंगे। अपने गाड़ी के कागज दिखा, समझ गई? चलान काटो इनका चलान। तू चुप रह, मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। नहीं है मेरे पास कागज, घर पे भूल आई। हवलदार, इस औरत का एक अच्छा सा और मोटा सा चालान काटो, ताकि आगे से ना पूरे कागजात लेके साथ चले। ये बुढ़िया याद रखे। चुप बेवड़े, कितनी बार बोला है बीच में मत बोल। ए, ये क्या बात है, पुलिस वाले सामने खड़े और तू इसके सामने हाथ उठाए जा रही है, हमारी कोई शर्म लिहाजा या नहीं है? चुप कर, जो या जितनी है नहीं, मैं पुलिस वाली हूँ, पुलिस वाली हूँ। एक मिनट, ऑन द ड्यूटी ना किसी भी पुलिस वालों से आप ऐसे बात नहीं कर सकती, आपको ना जेल हो सकती है, समझ गए? ये तो आपका लिहाज कर रही हूँ मैं उम्र का, तब चुप हूँ। अच्छा, मैं तेरे को बूढ़ी दिखाई दे रही हूँ? दूसरे नहीं। कितनी बार बोला है और मैंने कितनी बार बोला है कि इसमें हाथ मत उठाओ मेरे सामने, जब दे हाथ हाथ तो रुकते नहीं, तो इसकी जबान भी नहीं रुकती। आपकी कौन सी जबान रुक रही है? चुपचाप कागज दिखाओ ना चालान कटेगा। नहीं है कागज मेरे पास। नहीं है ना? हवलदार, मैडम जी। चुप, मैडम जी लगा रखी है, शर्म नहीं आती तुम्हें इसे मैडम जी बोलते हुए? मुझे तो कभी आज तक जी नहीं बोला इसे मैडम जी, मैडम जी। कुछ
शर्म कर, तेरे बेटे की बहू है ये, बड़ा आया और तू मेरा मोटरसाइकिल बाउंड करेगा। अच्छा आपके पास तो टूटी हुई साइकिल, उस पे आता था ऐसे ड्यूटी करने, मैं मेरे बाप के घर से लाई हूँ ये दहेज में। चुप बुढ़िया, मुझे पता है तू दहेज में क्या लाई थी, एक टूटे हुआ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। समझे क्या बुढ़िया? कितनी बार बोला बेबड़े, चुप रहा कर। ए मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि पुलिस वालों के सामने किसी पे हाथ ना उठा, और ये बार बार क्या पुलिस वाला लगा के हमारी भी इंसल्ट कर रही है तू? हाँ क्या ब्लेम लगाना चाहती है? चुपचाप अपनी गाड़ी के कागज दिखा वरना तेरा मोटा चालान कटेगा, समझ गई? बाउंड करो बाउंड। चुप हो जा, कागज दिखा। नहीं है मेरे पास। क्या कर लेगी? क्या कर लेगी तू? रुक हवलदार, अब इसकी जो बाइक है ना वो तू बाउंड कर, तब पता चलेगा इसे। अभी लो मैडम जी। घर आना तू, फिर बताऊंगी तुझे कैसे मोटरसाइकिल बाउंड करते हैं। अब तो पैदल जाएगी, टिक टिक टिक, जाओ पैदल बुढ़िया। आने दो आज घर पे, थानेदार होंगे थाने के, घर की थानेदारनी तो मैं हूँ, आज उनको मैं मनाती हूँ कैसे बनते हैं पुलिस इंस्पेक्टर। और वो पति परमेश्वर, उसे भी आने दो, देखती हूँ अगर चाय के लिए ना तरसाना तो मेरा नाम भी रस भरी नहीं। अच्छा आ गए दोनों, आओ आओ, वेलकम है तुम्हारा। क्या हुआ मेरी रस भरी, अब मिर्च खत्म हुई कि नहीं? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर मुझे रस भरी बोला तो। क्या हुआ सासू माँ, आप अभी तक सुबह की बातों का बुरा मान के बैठी हैं क्या? चुप ही रहो तुम तो, वहाँ तो बड़ी 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 बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? ओफो सासू माँ, आप भी ना, आप समझते क्यों नहीं, हम ऑन ड्यूटी थे सुबह, अब चालान तो काटना पड़ेगा ना अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे तो, क्यों ससुर जी? बिल्कुल ठीक कहा बहू रानी। अच्छा अब आप दोनों की ड्यूटी हुई खत्म, अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट, अब मैं काटूंगी तुम दोनों का चालान। ओफो सासू माँ, अब तो गुस्सा थूक दो, मैंने आपका चालान नहीं काटा, आपकी मोटरसाइकिल का चालान काटा है। अरे मेरी रस भरी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है, एक कप चाय बना लिया। अच्छा दूं तेरे को चाय, दूध में पत्ती डाल के दूं या चीनी वाली चाय दूं, या तुझे गुड़ डाल के दूं, या तुझे कॉफी पिलाऊं, बोल कौन सी चाय पिएगा? बोलता क्यों नहीं? अरे मेरी रस भरी, गुड़ की ही बना लिया। क्यों बहू रानी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ ससुर जी एकदम ठीक कहा। अच्छा अब सीधा मैडम जी से बहू रानी पे आ गया, अब बोल ना मैडम जी। और तू वहाँ तो बड़ी हौलदार जी, हौलदार साहब, अब क्यों नहीं कहती? ओफो सासू माँ, वो हम ऑन ड्यूटी पे थे, मैडम जी हवलदार लगाना पड़ता है, अब तो आप गुस्सा थूक दो ना प्लीज। मुझे नहीं पता, तुम दोनों यहाँ से खिसक लो, इस घर की मालकिन मैं हूँ। ओफो माँ जी, किसने मना किया कि आप मालकिन नहीं हो? मालकिन तो आप हो, लेकिन अगर कोई काम गलत हो रहा है, अगर कोई ऐसे कागज नहीं दिखाएगा तो हम की हर किसी को थोड़ा छोड़ते फिरेंगे। तो मैं तो घर की थी ना। ओफो सासू माँ, कानून सबके लिए बराबर है, घर का हो या बाहर का। हाँ हाँ माना, कानून सबके लिए बराबर होता है, मान गई मैं तेरी बात, पर ये बता मैं घर की मालकिन हूँ, बड़ी हूँ, मेरी उम्र का कुछ तो लिहाज करती, मैं भी तो इस घर की थानेदार नहीं हूँ ना। ओफो सासू माँ, अगर ऑन ड्यूटी की बात करूँ ना तो मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन ये भी सही कहा कि आप इस घर की मालकिन हो, मुझसे बड़ी हो,
तो मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है, जीती रह। मैं आप दोनों के लिए ना अच्छी सी चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ले आ जा। अरे रस भरी, मैं भी पैर पकड़ूंगा तेरे। तुझे तो ना मैं बोलो जी, कैसे रोका मेरे को? मैंने तुम्हें इसलिए रोका, तुम जा रहे हो इधर, मुझे बाजार जाना है, तो मुझे भी साथ ले चलो ना। चलो ठीक है, मैं तो ठेके पे जा रहा था, और कौन से मेरे सर पे बैठोगे, सीटी पे तो बैठना है, चलो बैठ जाओ। हाँ ठीक है, जहाँ तक जा रहे वहीं तक ले चल। अरे भाई, तुमने यहाँ क्यों रोक दिया, चलना। आपको पता नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या, वहाँ पर सामने चलान काट रहे हैं। अरे रुक, मैं चश्मा लगाना भूल गई। और जो वो मैडम है ना, वो तो बिना चलान काटे हुए आगे जाने नहीं देती, बड़े खतरनाक है। अरे रुक तू चल, वो जो दिख रहा है ना तुझे बुड्ढा होलदार, वो तो है मेरा पति, और जो वो लड़की दिख रही है ना तेरे को, वो है मेरी बहू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। What is this? No problem. I am right. जब वहाँ आपका परिवार खड़ा है तो मैं क्यों डरूं? एक तो पहले से ही शेर था, और एक और आपने शेर बना दिया, तो मैं तो दो दो शेर हुआ ना। हाँ हाँ चल ना, दो दो से डरते थोड़ी ना। हाँ ठीक है चल। चलो मैडम के पास। चलो भाई गाड़ी के कागज निकालो। अरे बहू कागज को छोड़, हमें जाने दे, हमें जल्दी है। ऐसे कैसे जाने दूं, कागज तो आपको दिखाने ही होंगे, चलो दिखाओ कागज। ये लो, मरवा दिया ना, आप तो कह रहे थे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी बहू है। कहाँ गई अब आपकी बहू, मैं तो किसी की मांग लेके आया था मोटरसाइकिल, अब बताओ मैं क्या करूँ। अरे भाई क्यों घबराता है, मैं हूँ ना, मत डर। ए बहू कान खोल के सुन ले, मैंने इससे लिफ्ट मांगी है, तू इससे कागज मत चेक कर, समझी। देखिए माँ जी, इस वक्त मैं आपकी बहू नहीं हूँ, एक पुलिस ऑफिसर हूँ, कागज तो आपको दिखाने ही होंगे। अरे मैडम जी, तुम सास बहुओं के चक्कर में मुझ गरीब को क्यों मार रहे हो? मोटरसाइकिल मांगे ले गया था किसी की, ठेके पे जा रहा हूँ बोतल लेने के लिए। चुप, एक तो तू कागज नहीं दिखा रहा, और ऊपर से तूने शराब भी पी रखी है, और ऊपर से बकवास कर रहे हैं। चुप कर बहू, अब मेरे होते हुए तू इसके कागज चेक करेगी। माँ जी ऑन द ड्यूटी हूँ, कागज तो आपको दिखाने ही होंगे, तभी जाने दूंगी, वरना आपका मोटा चालान कटेगा, समझ गई आप? अच्छा, मैंने इससे लिफ्ट मांगी है, ये कागज नहीं दिखाएगा। लिफ्ट मांगी है तो क्या हो गया, नियम तो नियम है, कागज तो आपको दिखाने ही होंगे। हवलदार इनके कागज चेक करो, अगर नहीं मिलते ना कागज तो इनका एक अच्छा मोटा चालान काटो, तभी पता चलेगा इन्हें। मैडम जी आप इनके कागज ले लो ना, कोई आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, मेरे क्यों मांग रहे हो? तो एक बात बता, ये जो बाइक है ये किसकी है? ये तो नथुराम की है जी। चला कौन रहा था? मैं चला रहा था। बहू मैंने कह दिया ना, मेरे होते हुए तू इसके कागज नहीं चेक करेगी, मतलब कह दिया तो कह दिया,
माँ जी आप घर में नहीं है जो मुझ पे हुक्म चलाएंगी। यहाँ पे आपको मेरा कहना मानना होगा और कागज तो आपको दिखाने ही होंगे, और अब तो बिना कागज दिखाए मैं आपको छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। अच्छा अब तो मुझ पे हुक्म चलाएगी, मैं तेरी सास हूँ। सास सास होंगी आप घर में, समझ गई? यहाँ पे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, चुपचाप कागज दिखाओ वरना जेल में डाल दूंगी और साथ में मोटा चालान काटूंगी, समझ गए? अच्छा महारानी सुबह ही आ जाती है नहा धो के मुंह उठा के चल देती है, घर पे चूल्हा चौका मैं करूं, हुकम चलाओ तुम। अच्छा तो सरकारी सर्विस वाली बहू भी आपको चाहिए थी ना, मोटी तनख्वाह हर महीने जो पैसे कमा के लेके आती हूँ ना सैलरी के, आपके हाथ में रखती हूँ। अच्छा तो अब मैडम जी तनख्वाह दे के मुझे खरीदना चाहती है। देख लो पति परमेश्वर जी बहुत ताने दे रही है। मैडम ठीक कह रही है, पति परमेश्वर में घर पर है। ऐसा करो इसको बोलो गाड़ी के कागज दिखाए। चुप कर, बड़ा आया मैडम का चमचा, तुम्हें तो मैं घर आती देख लूंगी। ओ माँ जी ऑन ड्यूटी ना एक हवलदार को धमकाना कानूनन अपराध है, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ आप। नहीं दूंगी, क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? हाँ मोटा चालान काटूंगी तेरा मैं। मैडम जी चुपचाप, मुझ गरीब को तो जाने दो ना, आप मेरी वजह से क्यों घर में लड़ाई कर रहे हो? तू चुप रह, समझ गया ना, किसी बात का पता ना हो ना तो बीच में बोलना नहीं करते। हाँ माँ जी अब बताओ कागज दिखाओगे या चालान कटवाओगे? मैं देखती हूँ तुझे कैसे चालान काटती है। अच्छा हवलदार। हाँ मैडम जी। कागज चेक कर, नहीं मिलते ना तो चालान काट, वो भी मोटा सा, आ जाइए मुर्गी हाथ में। अच्छा मैं तुझे घर आना फिर बनाऊंगी मुर्गी कि मुर्गी कैसे बनाते हैं। अच्छा तो घर की धमकी क्या दे रहे हो मुझे, यहाँ पे करके दिखाओ ना जो करना है। अच्छा मैडम जी मुझ गरीब को जाने दो ना। चुप है मैबड़ी। अच्छा छास तो बोले जो बोले, अब छालनी भी बोलने लगी। हेलो माँ जी, ऑन ड्यूटी का हवलदार को धमकाना कानूनन अपराध है, आपको जेल में डाल दूंगी, समझ गई क्या? अच्छा अब तू डालेगी मुझे जेल में, देखती हूँ कैसे डालती है। कैसे डालती है माँ जी, जो बोलती हूँ ना वो करके भी दिखा दूंगी, आपकी तरह नहीं हूँ, घर में बोलो कुछ और करोगी कुछ और। अच्छा खाना कौन बनाता है? तो लेके कौन आता है राशन? मैं। अच्छा तो बनाती तो मैं हूँ, तुझे तो सिर्फ दोनों को ठूसने का काम है। रहन दो माँ जी, आपको नहीं पता आजकल पैसे कमाना कितना औखा काम है, क्यों हवलदार? हाँ मैडम जी। तो घर का कौन सा सोखा है काम करना? अच्छा एक बात बताओ, कपड़े कौन धोता है? मैं। फिर कपड़े धो के तू महारानी बन गई क्या घर की? तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि खाना कौन बनाता है, काम तो मिलके करना पड़ेगा ना। अच्छा इतनी ऊंची आवाज में बात करना सीख गई अपनी सास से? इस वक्त आप सास नहीं हो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, समझ गई आप, और आप मुझसे इस तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ होगी तो पुलिस ऑफिसर, तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी, घर पे आना अगर टांगे ना तोड़ी तो दोनों की। मैडम जी मुझ गरीब को जाने दो ना। अरे तू गरीब, तू तो एक नंबर का हरामी और बेवड़ा। हवलदार इसकी मोटरसाइकिल बाउंड कर। अभी लो मैडम। हाँ घर पे देखेगी मेरे को, मैं बताती हूँ घर पे तो इस सासू माँ को। घर में नो एंट्री। क्या हुआ सासू माँ, अभी तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ क्या? क्या कहा सासू माँ? वहाँ तो क्या कह रही थी मुझे, बहन जी। अब क्यों नहीं बोलती बहन जी? ओफो सासू माँ, वो तो मैं ऑन ड्यूटी पर थी ना। अच्छा तो अब इस घर में मेरी ड्यूटी है, समझी? ससुर जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं इन्हें? आप कुछ मत बोलो हवलदार साहब, वरना आपको पता है मेरा नाम रसभरी है, रसभरी। अरे मेरी रसभरी, अब मैं हवलदार नहीं,
तेरा पति परमेश्वर रामफल हूँ रामफल। अच्छा तो अब मेरा पति परमेश्वर रामफल हो गया। और वहाँ पे क्या बोल रहा था? ऑन द ड्यूटी होल्डर। क्यों? अब कहो ना, अब तुम दोनों की ड्यूटी खत्म, मेरी ड्यूटी शुरू। सुन रही हो क्या बहुरानी? बोलिए माँ जी। पहले तो पूरे घर में झाड़ू लगा, फिर पोछा लगा, फिर बर्तन साफ कर, कपड़े भी तू धो, और उसके बाद खाने पे लग जा, अच्छा सा खाना बना मेरे लिए। एक मिनट सासू माँ, हमने वो काम वाली लगा रखी है, वो आ जाए नहीं क्या? अच्छा काम वाली, तुम दोनों ने वहाँ पे मेरी छुट्टी कर दी, इसीलिए मैंने घर आते ही काम वाले की छुट्टी कर दी। रामफल जी, कणक का गट्टा उठाओ, घर में आटा खत्म है। और सुनो, आते टाइम सब्जी लेके आना। हाँ, घर में राशन भी खत्म है, वो भी लेके आना। और साइकिल उठाओ और लांडा लगाओ, चलो। एक मिनट सासू माँ, साइकिल क्यों? ससुर जी मोटरसाइकिल पर चले जाएंगे। अच्छा, ये मोटरसाइकिल मैंने कर लिया बाउंड। अरे मेरी रस भरी, कम से कम ड्रेस तो बदलने दे, गर्मी लग रही है। ना ना, इसी ड्रेस में चलो, चलो। ओफो सासू माँ, आप भी हद करती हो, सुबह की बात का भी ना गुस्सा मान के बैठी हो, ये क्या बात होती है? चुप रहा। चुप वाली क्या बात है सासू माँ, सही तो कह रही हूँ, ऑन ड्यूटी था, आप गलत कर रही हो तो हम रोकेंगे ना आपको गलत करने से, आखिर पुलिस वाले हैं, अब उसका बदला ऐसे निकालोगे आप हमसे? अच्छा वहाँ पे थे ऑन ड्यूटी, अब इस घर में नहीं हो, समझी? सासू माँ मानती हूँ कि आप इस घर की मालकिन हो, ठीक है, लेकिन ये भी इस घर के मालिक है और मैं बहू रानी हूँ। हाँ तो मैंने कब कहा बहू रानी नहीं हो? अब लग जाओ फटाफट काम से और जुबान लड़ाना बंद करो। सासू माँ बात मैंने नहीं बढ़ाई, बात आप बढ़ा रहे हो, समझ गया आप क्यों ससुर जी? बिल्कुल बहू रानी ठीक कह रही है। अरे मेरी रास भरी, अब तो शांत हो जा, शांत हो जा। ओफो सासू माँ, अब तो गुस्सा थूक दो। ठीक है, मैं घर का सारा काम खुद कर लूंगी और आप आराम से बैठ जाओ, अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ ठीक है, एक काम कर, मेरे लिए चाय बना मलाई मार के गर्मा गर्म, और सुन मीठा लेवल में होना चाहिए। ठीक है सासू माँ, आपके लिए आपके लेवल की चाय बना दूंगी, अब तो खुश? हाँ ठीक है। हाँ हम किधर चले? अरे मेरी रस भरी, मैं ड्रेस बदलने जा रहा हूँ। ना ना नाना, तो बिल्कुल भी नहीं, साइकिल उठा और लांडा लगा। ठीक है मेरी थानेदारी, ये चला मैं। देखा घर की थानेदार निकल रहा।